नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस जॉन में। आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेकर आया हूँ। हिंदी व्याकरण शुरू करने से पहले मैं हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्व हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो आपका जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, हिंदी की जननी कौन है। बहुत से लोग संस्कृत को जानते हैं लेकिन संस्कृत नहीं है, आपके हिंदी की जननी जो है वो अपभ्रंश को माना गया है। अपभ्रंश में भी अगर कभी पूछा जाता कौन सा अपभ्रंश, अपभ्रंश के दो भाग हैं, तो उसमें आपका जो सौर सैनी अपभ्रंश है वही हिंदी की जननी है। मैं लिख दे रहा हूं, चौथा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तब आप संस्कृत बताएंगे। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा गया है। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी को राजभाषा की दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो आप बताएंगे, आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा की दर्जा दी गई है। राजभाषा मतलब होता है कामकाज की भाषा, अर्थात भारत के संविधान में कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया गया है। और अगर लिप की बात करें कि हिंदी किस लिप में लिखी गई है हिंदी भाषा, तो आपका उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिप। अब आपका व्याकरण शुरू होगा। दोस्तों, अगर आप व्याकरण का पूरा वीडियो मेरा देखते हैं तो आपका पेपर जो होगा हिंदी का, उसमें एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आ सकता। दोस्तों, सबसे पहले आप वर्ण विचार के बारे में जानेंगे, जिसमें वर्ण, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताएंगे वर्ड, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे ध्वनि भी कहा जाता है, वर्ण या ध्वनि, क्या एक नाम आप स्वनिम भी कह सकते हैं, इसे स्वनिम, स्वनिम भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी न्यूनतम या लघुतम इकाई क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ध्वनि या स्वनिम। वर्ण के तीन भेद होते हैं, वर्ण के तीन भेद हैं। आपका पहला हो जाएगा स्वर, दूसरा व्यंजन, तो तीसरा आपका अयोग वा, अयोग वा। एक बात और, आप वर्णमाला की परिभाषा पहले जान लीजिए
अच्छे से। अगर वर्णमाला की परिभाषा आपसे पूछा जाता है कभी, तो आपका उत्तर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 वर्ण हैं। आपके जो वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 52 है, जिसमें आपके ग्यारह स्वर हो जाएंगे। तैतीस व्यंजन, दो अयोगवाह, चार संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन, दो उच्छिप्त या विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन, अब आप सबसे पहले स्वर के बारे में जानेंगे। यहाँ पे स्वर या स्वर वर्ण, स्वर की परिभाषा होती है जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से या बिना वो किसी वर्ण की सहायता से करते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर होते हैं। एक बात और, प्रारंभ में जो आपके हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 थी, बहुत से लोग 13 आज भी जानते हैं। दोस्तों आज के समय में हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, ना कि 13। दीर्घ रि और नृ हिंदी के स्वरों की संख्या से इन्हें बाहर कर दिया गया है, जिससे आपके हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, मात्रा के आधार पर दस स्वर हैं, क्योंकि आपका अ जो है ये अमात्रिक स्वर है, आपका अमात्रिक है, अर्थात अ का कोई अपना मात्रा नहीं है। उच्चारण या काल के आधार पर स्वर कितने भेद हैं, तीन, तीन भेद हैं।
जिसमें आपका पहला है ह्रस्वर, से आप ह्रस्वर कहते हैं। दूसरा आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका प्लुत, प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर होगा। तो आपका जो ह्रस्वर की संख्या है ये चार है, इसमें आपके आ जाएंगे अ, ई, उ, और री, ये आपके चार ह्रस्वर हैं। बाकी दीर्घ स्वरों की संख्या आपकी सात है, जिसमें आपका आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये आपके दीर्घ स्वर है। अब प्लुत स्वर में आपके आते हैं, जैसे जब आप कहीं पर शब्द देखे होंगे ये लिखा हुआ आता है इनको प्लुत स्वर में लिया गया है। ये हो गए शब्द आपके, एक और मैं बता दे रहा हूं, ओम या राम ऐसे लिखा हुआ आता है, तो आपका प्लुत स्वर होता है। अर्थात प्लुत स्वर का मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण में 3 सेकंड से अधिक का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, और ह्रस्वर में आपका आधा सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक बीच में जो समय लगता है उन्हें ह्रस्वर कहते हैं। और जिह्वा के प्रयोग के आधार पर अगर आपसे पूछा जाता है तो जीवा के प्रयोग के आधार पे स्वरों की संख्या आपकी जो है वो भी 10 है। दस स्वर होते हैं आपके। री को, ये जो री है इसको नहीं लिया गया है। तो जीवा के प्रयोग के आधार पे एक अग्रस्वर होता है, एक होता है मध्य स्वर, और एक आपका होता है पश्चिम स्वर। अग्रस्वर में आपका होगा ई, ई, ए और ए, और मध्य स्वर में आपका जाएगा अ, और पश्चिम स्वर में आपका जाएगा आ, उ, उ, ओ और आपका औ। और नासिका के आधार पे आपका हो जाएगा, नासिका के आधार पे आपका हो जाएगा वर्ण का पंचमाक्षर, वर्ण का पंचमाक्षर, और एक आपका हो जाएगा जिनके ऊपर, जिन वर्णों के ऊपर, जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ होगा, जिसे आप अनुस्वार कहते हैं।
एक और होता है मुख व्यूअर, मुख व्यूअर अर्थात मुख के खुलने या बंद, मुख के खुलने या बंद करने के आधार पर तो इनके चार भेद हैं। पहला आपका हो जाएगा विवृत, विवृत है इसका मतलब होता है मुख का पूर्ण खुलना, मुख का पूर्ण खुलना जिसमें आपका हो जाएगा आ, ये स्वर आपका जो है ये विवृत के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका हो जाएगा अर्ध विवृत, मुख का आधा खुलना, मुख का आधा खुलना इसमें आपका आ जाएगा अ, ए और औ, ये तीन स्वर आपके अर्ध विवृत के अंतर्गत आएंगे। तीसरा आपका है संवृत, मुख का लगभग बंद होना, मुख का लगभग लगभग बंद होना इसके अंतर्गत आपका ई, ई उ और दीर्घ उ, ये आपके चार स्वर आएंगे। चौथा आपका है अर्धसमृत, अर्धसमृत मुख का आधा बंद होना, मुख का आधा बंद इसमें आपका जगह ए और ओ। अगर आपसे पूछा जाता है कि विवृत स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे उनकी संख्या एक है जिसमें आपका आता है आ। दूसरा आपका अगर पूछा जाता है कि अर्ध विवृत संख्या कितनी है तो आपके तीन है और समवृत्त में चार और आपका अर्ध समवृत्त में दो। अब आपका व्यंजन, व्यंजन के बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले आप परिभाषा जान लीजिए। स्वरों के सहयोग से, स्वरों के सहयोग से उच्चारित वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। बोले जाने वाले वर्ण इनकी संख्या मैंने बता दिया था पहले 33 है, 33 व्यंजन। आपके व्यंजन के कितने भेद हैं तो आपके व्यंजन के भेद जो हैं तीन हैं। इसमें आपका पहला है स्पर्श व्यंजन, जिन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय
व्यंजन जिनकी संख्या 25 है। वर्गीय व्यंजन का मतलब होता है क से लेके म तक, पांच वर्ग आते हैं, पांचों वर्गों में ये 25 संख्याएं आती हैं आपकी। दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जिनमें आपका य व र और ल ये चार वर्ड आते हैं। और आपका तीसरा है ऊष्म व्यंजन, तीसरा का ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या चार है। इसमें आपका श श और स और आपका लास्ट ह, ये चार वर्ड आते हैं। एक बात और, य और व को अर्धस्वर नाम से भी जाने जाते हैं, इन्हें अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। और ल को पार्श्विक पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। आपका जो र है इसको लुंठित लुंठित या प्रकंपित प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। अब आपके जो चार संयुक्त अक्षर है उनके बारे में जान लीजिए। चार संयुक्त अक्षर हैं। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है जब दो भिन्न व्यंजन वर्ण आपस में जुड़कर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा, आपका पहला है ये छ, छ आपका किससे मिलकर बना है, क और क के नीचे हलंत रहेगा ना कि श के नीचे। तो अभी ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ड के नीचे हलंत रहेगा। दूसरा आपका है त्र, ये आपका त और र से मिलके बना है। तीसरा आपका है ज्ञ, ये आपका ज ञ से मिलकर बना है। अंतिम आपका है स्र, जो आपका श और र से मिलकर बना है। संयुक्त अक्षर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है या इनका निर्माण किन दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। और हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त अक्षर की बात हम करेंगे कि इनका हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान कब आता है, मतलब किन वर्णों के बाद इनका स्थान आता है। सबसे पहले आप छ का लीजिए, छ का निर्माण आपका हुआ है क और श से। तो अगर जिन जिन वर्णों से मिलकर इनका निर्माण हुआ है, पहले वर्ण के बाद, पहले वर्ण में जब आप स्वर लगा देंगे अर्थात वो आपका क हो जाएगा पूरा, अर्थात जो पहला वर्ण होगा उन्हीं वर्णों के बाद इन वर्णों का स्थान आएगा, अर्थात क के बाद आपका छ है। और आप इसी प्रकार ले सकते हैं त्र का,
त धन र अर्थात त के बाद हमारा त्र का उच्चारण स्थान है या हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान है। इसी प्रकार आप चारों ले सकते हैं, ज्ञ का ज के बाद, उसरा का श के बाद। अगर आपसे मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या इनकी संख्या 16 है। जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपका 25 है। इसमें आपका 16 आपका हो जाएगा मूल स्पर्श व्यंजन, 4 आपके हो जाएंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जिसमें आपका आता है छ छ ज और झ। 16 4 20 हो गया आपका। 5 जो आता है सभी वर्गों के पंचमाक्षर अर्थात 5 नासिका व्यंजन, 5 नासिका वर्ण या व्यंजन, ठीक है। अयोग वाह की बात कर लें तो अयोग वाह जो आपका है इनकी संख्या 2 है। पहले आप परिभाषा जान लीजिए। वे वर्ण जो न व्यंजन में और ना ही स्वर माने जाते हैं या ना आए, उन्हें अयोग वाह कहते हैं। इसमें आपका पहला हो जाएगा अंग, जैसे आपके ये बिंदी जो लगा हुआ है आप इसे अनुस्वार कहते हैं, एक आपका अनुस्वार हो जाएगा। दूसरा ये जो आपका इसे आप विसर्ग कहते हैं, ये विसर्ग का चिन्ह है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाद होते हैं जिसमें आपका एक अनुस्वार होता है, दूसरा विसर्ग होता है। अब द्विगुणित व्यंजन की बात कर लें। द्विगुणित या जिसे हम विकसित या एक नाम और है इसका दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन, इनकी भी संख्या 2 है। इसमें आपका ड आता है और एक झ है, यह आपके उच्छिप्त व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है। कुल भराया जाता। अब आप वर्णों से संबंधित कुछ विशिष्ट तत्व के बारे में जानेंगे, जिसमें आपका पहला होता है हो जाएगा आगत वर्ण या विदेशज वर्ण या गृहित या नवीन विकसित। इसमें आप जानेंगे 2 तरीके से होते हैं। एक होता है आपका अंग्रेजी से आए वर्ड, जैसे एक आपका होता है अंग्रेजी से, तो जिन वर्डों के ऊपर अर्धचंद्राकार अर्थात ये इस तरह का लगा हुआ पाया जाएगा या लगा हुआ देखो आप, तो आप जान लीजिए ये वर्ड अंग्रेजी से आए हुए हैं जो हमारी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं।
जैसे आप देख सकते हैं डॉक्टर तो आप इसको डॉ और ये वर्ड इस टाइप का वर्ड। दूसरा आपका हो जाएगा अरबी फारसी जब आप इस तरह के वर्ड देखते हैं यहाँ बिंदु लगा होगा नीचे उसके ग ज फ ये अरबी या फारसी से आए हुए शब्द होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं गजल आप गजल ऐसे ही आप गजल ऐसे ही लिखा हुआ पाएंगे और ये आपका सही भी है ना कि ऐसे गजल ये आपका गलत हो जाएगा। और इन इन सभी वर्डों का सबसे पहला प्रयोग जो आपका किया गया था वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने किया था या उनके द्वारा किया गया था सितारे हिंद इनके द्वारा सबसे पहले इन वर्डों का प्रयोग किया गया था। कभी कभी आप देखते होंगे जैसे कि पहले आप हेडिंग डाल लेते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ड या द्वित्व व्यंजन वर्ड या द्वित्व वर्ड जैसे आप ये देखते हैं बिल्ली या आधा ल और पूरा ल अर्थात जब दो व्यंजन वर्ड के मध्य में कोई स्वर ना आए तो उन दोनों व्यंजन वर्ड को संयुक्त व्यंजन वर्ड कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे बिल्ली का मैं व्याख्या कर ले रहा हूं आप इसको व लिखिए फिर ई लिखिए फिर ल लिखिए फिर ल लिखेंगे फिर ई लिखेंगे इन दो वर्डों के मध्य कोई भी स्वर नहीं आया है तो आपका ये आपका हो जाएगा द्वित्व व्यंजन या इनके मध्य देखिए स्वर आया है इनके मध्य देखिए स्वर आया है। लेकिन आप ऐसे स्वर बहुत से शब्द पाएंगे आप ऐसे जिन वर्डों के मध्य आपको कोई स्वर नहीं होगा जैसे आपका कट्टर होता है ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप खुद ही जानते होंगे। एक और आपका कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है रुकिए मैं लिख के दे रहा हूं आप खुद समझ जाएंगे शब्दों को वर्णमाला क्रम के अनुसार रखना अनुसार रखना जैसे आपका कोई शब्द दिया हुआ एक त्रिभुवन दूसरा आपका त्रिलोक तीसरा आपका त्रिवेणी चौथा आपका त्रिपुर। अगर शब्दों को वर्णमाला क्रम के अनुसार रखने के लिए आपसे बोला जाता है जैसे कि चार शब्द दिए हुए रहेंगे आपको आपसे बोला जाएगा कि इन वर्णों को इनके वर्णमाला क्रम के अनुसार सजाइए या रखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे आप इनको तोड़ लेंगे पूरी तरह
इनको स्वर और व्यंजन अलग अलग कर लेंगे। इसे त्रिभुवन हो गया, मैं यहाँ पे चारों लिख दे रहा हूं, त्रिलोक हो गया, त्रिवेणी हो गया और आपका त्रिपुर हो गया। तो आप सबसे पहले इनको तोड़िए, आप हलंत लगाते रहिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा स्वर। जब आप स्वर बाहर करेंगे तो आपको उस व्यंजन के नीचे हलंत लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद भ, उ, व, आपका अ, फिर न, फिर आपका अ, त, हलंत फिर र, फिर आपका ई, फिर आपका ल, फिर आपका ओ, फिर आपका क, फिर आपका लास्ट में अ, तीसरा त, र, ई, व, ए, र, ई, और लास्ट आपका त, र, ई, प, प, उ, र, और लास्ट का आपका अ। तो सबसे पहले आप देखिए इनमें आप क्या करेंगे, जिन वर्डों का स्थान जो होगा, जिनका पहले होगा, वो वर्ड पहले आए। जैसे कि आप ये देखिए, त इसमें भी, त इसमें भी, त इसमें, त इसमें भी, अर्थात इससे नहीं कर, र भी है, र भी है, र और र, अर्थात हम अभी नहीं बता सकते कि किन वर्डों का स्थान या किन शब्दों का स्थान वर्णमाला क्रम के अनुसार पहले होगा। फिर आप तीसरा व्यंजन लेंगे, अर्थात जो व्यंजन वर्णमाला क्रम में पहले आएगा उस शब्द को हम पहले रखेंगे। तो देखिए यहां भ है, ल है, व है और प है। आपको पता ही है इन चारों वर्णों में पहले कौन आता है, तो आपका प पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर आपका क्या आता है, ये आपका आता है भ, तो आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका आता है ये आपका जो ल, तीसरा नंबर, और चौथे नंबर आपका त्रिवेणी। तो अगर आपसे पूछा जाता है चार शब्द देकर या दो शब्द देकर कि इनको वर्णमाला क्रम के अनुसार स्थान दीजिए, तो सबसे पहले आप उन वर्डों को शुरुआत में व्यंजनों से कंपेयर करेंगे, शुरू के उनके व्यंजन अगर दोनों एक ही जैसे हैं या चारों एक ही जैसे आते हैं तो फिर आप दूसरा व्यंजन देखेंगे, तीसरा देखेंगे। अगर आप अंतर पाते हैं तो आप देखिए उन शब्दों में आए हुए व्यंजन वर्णमाला क्रम में उनका स्थान पहले किस व्यंजन का आता है, भ का है, ल का है, व का है या प का है, उन्हीं अनुसार आप उसे क्रम में रखिए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। अब आप हिंदी में उच्चारण स्थान के बारे में जान लीजिए। तो हिंदी में सात उच्चारण स्थान हैं। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी में उच्चारण स्थान कितने हैं, उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे हिंदी में सात उच्चारण स्थान हैं। तो पहला आपका हो जाएगा कंठ, दूसरा आपका तालु,
तीसरा आपका मूर्धा, चौथा आपका दंत, पांचवा आपका ओष्ठ, छठा आपका नासिका और सातवां आपका जीवा की जड़। ये आपके सात उच्चारण स्थान हैं, ये उच्चारण हैं और इनके उच्चारण स्थान जो आपसे पूछे जाते हैं तो इनका उच्चारण स्थान होगा आपका कंठ, तालव्य, तीसरा आपका मूर्धन्य, चौथा आपका दंत, पांचवा आपका ओष्ठ, छठा आपका नासिक और अंतिम या सातवा आपका जीवा मूली जड़। जीवा मूली जड़। इस तरह का लिखे वर्ड अगर आपको दिखे तो जीवा मूली ये जड़ इसका उच्चारण स्थान होगा। अब आप स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में देखेंगे। स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान, तो आप इनको देख लीजिए जिसमें आपका अ और आ, इनका उच्चारण स्थान आपका कंठ है और आपका ई और ई, इनका आपका तालु है, री ये मूर्धा के अंतर्गत आएगा, द सॉरी ल्री, वैसे ल्री संस्कृत में उपयोग होता है, दंत के अंतर्गत आएगा, ये हिंदी में नहीं है। ऊ और ऊ, इनका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होगा और आपका बच्चा जो ए और ए और आपका ओ और औ, क्योंकि इन शब्दों का निर्माण ही दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, दो स्वरों से मिलकर बना है, सॉरी इन वर्णों का इसे आप ए देखेंगे उसका निर्माण अ धन ई इससे मिलकर बना है और अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का ताल, अर्थात ए का उच्चारण स्थान कंठ ताल होगा, ए और ए दोनों का ये आपका उच्चारण स्थान है इन दोनों वर्डों का। अब ओ को आप देख लीजिए, इनका निर्माण अ धन उ से हुआ है, अ का कंठ है, उ का ओष्ठ, अर्थात कंठोष्ठ, अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। आप यहां पे नोट पर लिख लीजिए, नोट अनुस्वार का भी, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका ही है और आपका विसर्ग
का आपका ऊंचा स्थान कंठ है। अब आप प्रयत्न के बारे में जानेंगे तथा प्रयत्न किसे कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में की गई कोशिश अर्थात वर्णों के उच्चारण में की गई कोशिश आपका प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न प्रयत्न के कुल दो भेद हैं। प्रयत्न के दो भेद हैं। इसमें आपका पहला है आंतरिक, आंतरिक या अभ्यांतर, आंतरिक या अभ्यांतर प्रयत्न जो पांच प्रकार के हैं। दूसरा आपका है बाह्य बाह्य, दूसरा आपका है बाह्य प्रयत्न जिनकी संख्या 11 है। ये 11 प्रकार के हैं। आप अभ्यांतर प्रयत्न के बारे में देख लीजिए। अभ्यांतर प्रयत्न अभ्यांतर प्रयत्न के पांच प्रकार हैं। इसमें आता है पहला स्पिष्ट प्रयत्न, इसमें आपका क से लेके म तक व्यंजन, केवल व्यंजन वर्ड आते हैं क से लेके म तक, या जिसे कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन। दूसरा आपका है ईषत स्पिष्ट, जिसमें आपका आता है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा आपका है ईषत विवृत, जिसमें आपका संघर्षी आते हैं, संघर्षी और संघर्षी व्यंजन और उष्ण स श और ह। चौथा आपका है विवृत, इसमें आपके जो बचे हुए स्वर हैं पहले पांचवा जान लीजिए। पांचवे में आप समृद्ध हैं, समृद्ध के अंतर्गत आते हैं ये स्वर, विवृत में आपके सभी बचे हुए स्वर, बचे स्वर विवृत में आते हैं। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, इन पहले तीन के अंतर्गत केवल व्यंजन व्यंजन आते हैं, और ये चौथा पांचवे के अंतर्गत आपके स्वर स्वर आते हैं। अब आप वाय प्रयत्न के बारे में देखेंगे। वाय प्रयत्न इनकी संख्या 11 है, जिसमें आप मैं आपको जो महत्वपूर्ण होगा उनके बारे में बता रहा हूं, तो आप विवार विवार श्वास
और अघोष, इन तीनों को एक में। इसके अंतर्गत वर्ग का आपका पहला और दूसरा अक्षर और श, श और श ये आते हैं, इनकी संख्या 13 है। और एक इनमें से आपका एक है स्वार, सवार, नाद, घोष, ये तीन से आप सघोष भी कहते हैं, स घोष। इनके अंतर्गत आपके शेष व्यंजन आएंगे, जो बचे हुए व्यंजन होंगे, शेष व्यंजन इनके अंतर्गत आते हैं। एक आपका होता है अल्पप्राण, अल्पप्राण इनकी संख्या 19 है। एक होता है महाप्राण, इनकी संख्या 14 है। और इनके अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? अल्पप्राण के अंतर्गत आपके वर्ण के पहले, तीसरे और पांचवे अक्षर और अंतस्थ व्यंजन। और आपके महाप्राण के अंतर्गत वर्ण के दूसरे, चौथे और उष्ण व्यंजन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपका वर्ण विचार आज पूर्ण होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।